बिहार गीत गाए और हम लोगों ने बिहार गीत का सम्मान किए। आज जब राष्ट्रीय गीत का समय आया तो वो लोग हंस के बाहर निकल गए। देखिए मुख्यमंत्री जी खुश होकर लाल किला पर चढ़कर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। सासाराम में 6 गोड़ा बम बनाते हुए ब्लास्ट हुआ है तो उसका RJD का विधायक कह रहा है कि बोलो सुरक्षा में बम बना रहा है, यही तो हाल है। नमस्कार, एक न्यूज़24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। सदन में जिस तरीके से राष्ट्रगीत को लेकर आज सवाल उठाया गया है BJP के तरफ से, जो विपक्ष में लोग हैं, पूरी क्या प्रक्रिया है? आप लोग भी राष्ट्रगीत को लेकर बात कर रहे थे, क्या हुआ? देखिए ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं सत्ता के मद में मशगूल है। देखिए जो परंपरा सदन की रही है कि गैर सरकारी संकल्प होता है, मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं पूरे सदन के कार्रवाई को, विधानसभा अध्यक्ष उसकी अपनी प्रक्रिया के तहत बोलते हैं, लेकिन ये एक विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष के एक विधायक ने एक प्रस्ताव रख दिया, अब बिना वोट कराए हुए सदन को आगे बढ़ा दिए और बिहार गीत गाए और हम लोगों ने बिहार गीत का सम्मान किए। आज जब राष्ट्रीय गीत का समय आया तो लोग हंस के बाहर निकल गए। जो सदन की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान भी होता है और बिहार गान भी होता है, लेकिन ये राष्ट्रीय गान की अवहेलना करके तुष्टिकरण के राजनीति एक खास वर्ग को सुशोभित करने के लिए ये भारत माँ का अपमान किए हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ था क्या प्रमोद जी? कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि ये जो है एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूर्वी चंपारण जिला का है, जिसका एक जो है ये देखिए एक गैर सरकारी संकल्प था 300 एकड़ ज़मीन का चंद्रैया मनकटपुर सतपुर में, और ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना था और ये महात्मा गांधी की भूमि का ये केंद्रीय विश्वविद्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रथम कैबिनेट के बैठक में स्वीकृति प्रदान किया और इसका जमीन नहीं दिए और न ही संकल्प को चलने दिए। तो ये सदन की जो अध्यक्ष हैं ये सत्ता पक्ष के समझिए कि कलर के रूप में काम कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में बीते दिनों हिंसा हुआ, दंगा हुआ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को वहीं उसी जिले में जाके इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी खुश होकर लाल किला पर चढ़कर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। लाल किला पहुँचे नहीं लेकिन लाल किला पर चढ़ गए इफ्तार पार्टी में। खास वर्ग को खुश करने के लिए ये थप्पड़ पीट रहे हैं, इनका जिला जल रहा है। शोभा यात्रा पर पत्थर फेंका और सासाराम में 6 गोड़ा बम बनाते हुए ब्लास्ट हुआ है तो उसका RJD का विधायक कह रहा है कि बोलो सुरक्षा में बम बना रहा था, यही तो हाल है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, NIA से जांच कराइए। जिस तरीके से हिंसा हुआ है बिहार शरीफ सासाराम में, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये जो साजिश है, BJP वालों को हिंदू का वोट चाहते हैं इसलिए इस तरीके का काम करवाया। बात सुनिए, तो हम तो यही कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराए, अगर हम दोषी हों तो हमको जेल भेजे ना जी, कहने से थोड़े होगा। अगर उनको हिम्मत है तो जाँच कराइए, न्यायिक जुडिशियल जाँच कराइए कि लिपापोती कर रहे हैं, कौन आला अधिकारी लिपापोती कर रहा है, किसी से छुपा हुआ है, हर लोग जान रहा है। अब सदन बंद हो गया, सड़क पर जाकर इनकी आवाज़ को उठाएंगे। तो ये हमारे साथ BJP विधायक प्रमोद कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सदन अब तो बंद हो गया लेकिन हम लोग सड़क पर जाके संघर्ष करेंगे और न्यायिक जाँच होनी चाहिए। जिस तरीके से बीते दिनों बिहार के कई जिला में हिंसा हुआ, दंगा फसाद हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष में जो लोग हैं काफ़ी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि संघर्ष जो है हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।